तमाम आप सब वीडियो में ऑडियो में तमाम तमाम गवैया गीत गौलन, लेकिन ये बिरहा के शीर्षक बा सती शंका। सती जी के कैसे शंका भइल, चार लाइन भूमिका पर गौर कर जाए। अब शंकर सती बन चले घूमने, जुग त्रेता का चाहिए तो दस्तान है, माँ सीता के खोजन में चले दो सुवन, सती शंकरी मिले वन में भगवान है। उस समय शंका भारी सती मन हुआ, जब किए राम को शिव परिणाम है, अंतर जामी नमामि जटा शंभु की, जिनकी महिमा सीता जी को जगत जननी माता के रावण पंचौटी में से हरण करके लेके चल दिल रहे बाबू। वो समय भगवान भोलेनाथ सती जी उसी जंगलवा में मृतलोक के भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। वो समय में भगवान भोलेनाथ जो भगवान राम के देखलन, वो समय में उस जंगलों में प्रणाम कैलन। आज जब प्रणाम कैलन, वो समय में सती जी कहली के हम रउआ कहने कि तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के हम ही मालिक हैं। आई दुगो जंगलों में साधुन के देख कर वहां प्रणाम करत हैं। भगवान भोलेनाथ कहलन कि ये साधु ना हवन, भगवान राम हवन। राजा दशरथ अयोध्या के राजा दशरथ के लयिका भगवान राम हवन। कहलन कि जो कहली सती जी कि मैं नहीं मानती हूँ कि भगवान राम है, भगवान राम होते तो अपने अयोध्या में होते, मैं परीक्षा लूंगी कि भगवान राम है या कोई देशलवा साधु है। सती जी कहली का एक लाइन गजल का अंदाज बा, वह गजल के लाइन बा कि न हमारा बनेगी, न हमारा बनेगी, अरे न तुम्हारा बनेगी, तवायफ की बेटी तवायफ रहे। कवि जी के कलम संकेत करती है क्या कि बोली दुल्हनिया अरे सती मुस्कुरा के गजब खेल खेला मेरे डमरुआ। रउआ कहे नहीं कि तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के हम ही मालिक हैं, लेकिन ये दुगो जंगलों में साधुन के देख के रउआ प्रणाम करत हैं। कहलिन का
नमन उस तपस्वी को क्यों कर डाले, कहते कि जग के हमें रखवाले। सती जी कहने कि रउआ कहने कि तीनों तू लोग चौदह भुवन के हमें मालिक हैं, आई दुगो जंगलों में साधुन के देख के प्रणाम करते हैं। मैं नहीं मानती हूँ, मैं परीक्षा लूंगी तब मानूंगी कि भगवान राम है या कोई देसिलवा साधु है। जब चलनी परीक्षा लेवे बदे वो समय नजम के लाइन में दिहल गई। शिव बोले कि साधु नहीं भगवान है वो, शिव बोले कि साधु नहीं भगवान है वो, अवध किशोर राज दशरथ सूत राम है वो। सिलवा साधु है जौना समय में सती जी परीक्षा लेवे बदे चल रही बाबू, ओ समय में एगो गीत के लाइन लग गई। आ गीत उहे बा कि कौनो में हरारू के मन सेधू जब अपन गौना करा के घरे लेके आईल, कुछ दिन बीतल तब तो मेहररुआ अपना नैहरे के बड़ाई करत रहल। हमरे खाने देवर रहे कालज के भौजी, अरे नैहर के का बड़ाई करत हो, तोहार ससुरे से जिंदगी पार लगी। कलश की नाजी देवर बबुआ हमारा नैहर में हई होला हऊ होला। उहे देवरा कहले रहे कि ना मनबू तो सुना हम एक बात कहले। देवरा कहले का रहे उहे देवरा कहले रहे कि छोड़ी नहीं हरावा ससुरावा सीख सहुरावा ए भौजी, छोड़ नहीं चली। वो समय कवि जी के कलम संकेत करती है क्या कि साथी सीता रूपवा धाई के बड़ा सिंगारवा कैली हो, सीता
चलऊ हवा से फररवा भैली हो गोरिया भगवान राम के परीक्षा लेवे बदे चलली। ओ समय में सीता रूप बना के सती जी भगवान राम के परीक्षा लेवे बदे चल दिली। लक्ष्मण जी जब देखलन तो कहलन कि भैया अरे उन्हें कहाँ घूमत वो भाभी तो लगी है। भगवान राम कहलन कि बबुआ तो हर भाभी ना है, जगत जननी माता है, इनके प्रणाम करा। जब भगवान राम प्रणाम कैलन जगत जननी माता के, ओ समय में पूछलिन भगवान राम पूछलन कि आखिरकार पिताजी कहाँ हवन कि तू बने बने भटकतारू। लाज के मारे सती जी जब भगली बाबू, जब भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुँचली कैलाश पर्वत पर, भगवान भोलेनाथ पूछलन कि का परीक्षा लेके चली अलू। ओजा सती जी झूठ बोल दिली। आ जब झूठ बोल दिली ओ समय गीत के लाइन लगल बा। कौन गीत बा? गोरी जब ओढ़नी उड़ा लेलू, गोरी जब ओढ़नी उड़ा लेलू, हमारा यही सने बुझाता की बोला लेके चलिए लू। भगवान भोलेनाथ से सती जी कहली कि हाँ, भगवान के विश्वास बदल गई। भगवान कैलन का भाव में कवि जी के कलम संकेत करती है। सती आईली शंभु के समानवा, सती आईली शंभु के समानवा, शिवदानी पूछे सती से बचानवा। सती कही कि कई के चलियनी प्रणामवा, सती कही कि कई के चलियनी प्रणामवा, शिवदानी पूछे सती से बचानावा। भगवान राम के परीक्षा लेके चलिए लू। सती जी कहली कि हाँ, भगवान भोलेनाथ पूछलन कि आखिरकार बतावा कि कवन चीज से परीक्षा ले लू हम।
सती जी झूठ बोल दिल की जंगन रहुआ प्रणाम करके चलिए नहीं, वही तरह हम प्रणाम करके चलिए नहीं। विश्वास बदल गई कारण के रे बाप रे बाप, जब हम ना हम प्रणाम कैली है तो यही प्रणामे न कैली है, कगरी जाके प्रणाम करके अली है, विश्वास बदल गई। भगवान भोलेनाथ ध्यान में लगा के जब देखलन तो मालूम पड़ गई कि सती जी सीता रूप बना करके भगवान राम के परीक्षा ले ली है, त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जब सीता रूप बना के परीक्षा ले लो भगवान राम के, तो सीता पद में हमार माता लग लिया, से तू भी हमार माता हो गई, त्याग करके बाबू कैलाश पर्वत पर जाकर के अपने धुई को रमा लिए। आज जब धुई को रमा लिए उस समय टेरी के लाइन बा अरे सती की सत्यता भंग हो गई, अरे सती की सत्यता भंग हो गई, तो ध्यान में देख कर शिवदानी हो गए दंग। सती की सत्यता भंग हो गई, ध्यान में देख कर शिवदानी हो गए दंग, सती की सत्यता भंग हो गई। त्याग करके भगवान भोलेनाथ जा करके अपने कैलाश पर्वत पर धुई को रमा लिए। आज जब धुई को रमा लिया ना, वो समय में सती जी बगलों में बैठ के रोवे लगली, विदेशिया के लाइन में कहना हम कि आँखियाँ में नीरा भारी रोवेली अधीरा बानी, अरे रूठी गईले मांगी के से नूरा छऊ सो हाथी नहीं खे सैया बिनु राती नहीं खे, अरे कैसे धारी दिली में सबुरावा है स्वामी जी, मृग छाला बिछाई लिहला ध्यानवा लगाई लिहले, अरे बैठ गईले कैलासी के ऊपर कार। बाबू भगवान भोलेनाथ जब ध्यान में लगा लिए बगले में बैठ के, सती जी हर हर आंसू बहा के रोवे लगली। जब 87,000 वर्ष के बाद जब ध्यान टूटल भगवान भोलेनाथ का, तब आकाश मार्ग से देखलन कि सभी लोग जात बाम, वो समय के बात लिखे के पड़ गई का गीत के लाइन लगल बा जी।
स्वर्ग से सब देवतागण अपने अपने विमान पर चढ़ करके जा रहे हैं। सती जी भगवान भोलेनाथ से सवाल कैली का, अरे पुष्पक विमान सती देखली गगनावा, पुष्पक विमान सती देखली गगनावा, पुष्पक विमान सती देखली गगनावा। अजय करके बोली शिवदानी से बचनावा, अजय करके बोली शिवदानी से बचनावा, अजय करके बोली शिवदानी से बचनावा। ई कहां का भगाई दई भेदवा बताई, ई कहां का भगाई दई भेदवा बताई, के पिता राजा दक्ष जग करावत रहलन, जेकरा जेकरा के निमंत्रण जेकरा जेकरा के कार्ड देले रहलन, अपने अपने विमान पर चढ़ के आकाश मार्ग से जा रहे थे। सती जी के जब नजर पड़ल तो भगवान भोलेनाथ से पूछलन कि ई कहां जात बा। भगवान भोलेनाथ बतौलन कि तहरे बाप जग करावत हुवन, वही में जेकरा जेकरा के कार्ड निमंत्रण देले वालन जात बा। एजा गीत के लाइन बदल गए मास्टर। वह गीत के लाइन बाय के कवि जी के कलम बड़ा बढ़िया संकेत कैलस, छोला खियाई बिजवनी बलिया में होला बोला खैबू की ना, छोला खियाई बिजवनी बलिया में होला बोला खैबू की ना, छोला खियाई बिजवनी बलिया में होला बोला खैबू की ना। तोह के पियाई बि पेप्सी पति सुगुरालय गरा के बिरस में बना के गावत है। वे गीत के लाइन में बदल के कि अरे पारी उमरिया बाप, अरे पारी उमरिया बाप, तिरछी नजरिया गोरिया से का कि दक्ष रोज कैले बड़नी, और दक्ष रोज कैले बड़नी, जग के एलनवा धनिया पवली
आकाश मार्ग से तुहार पिताजी राजा दक्ष जग करावत हवन, जेके जेके निमंत्रण कार्ड देले हवन, अपने अपने विमान पर चढ़ करके जा रहल बा। भगवान भोलेनाथ से सती जी पूछले कि आखिरकार बताएं कि रउआ के कौनो कार्ड निमंत्रण ना आयल। भगवान भोलेनाथ कहलन कि ना हमारे पास ना आयल बा, आ बिना बोलावल कहीं जाए के ना चाहे। सती जी कहली कि एक बात बताई कि रउआ यहाँ तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के आप ही मालिक हैं, लेकिन कार्ड निमंत्रण ना आए। कालन की देखा जब हम तोहार शादी करा के लेके चलनी तो तोहरे पिता के हम गोल ना छुअनी, यही के कारण से हमरा के यहाँ कोनो कार्ड निमंत्रण ना भेजलन। सती जी कहली कि तेरा गोल काहे ना लगनी, गोल लगल रहती तो तोहार बापे ना ही पूरा विश्व जर के राख हो गई रही, यही के कारण से हम गोल ना लगनी, यही के कारण से हमारा पास कोनो न्योता निमंत्रण कार्ड ना आए। सती जी कहली कि ना हमर माई हमके बड़ा माने ले, हम जेबे करब। भगवान भोलेनाथ कहलें कि देखा बिना बुलावल कहीं ना जाए के चाहे, आदर नहीं होता है, सत्कार नहीं होता है। आखिरकार मनली ना पहुंच गईली, जब वहां गईली तो हवन कुंड के अंदर देखली तो तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के हमारा पति देव के कहीं स्थान नहीं खे बाबू, क्रोध में आकर के और उसी हवन कुंड के अंदर कूद गईली। आज जब कूद गईली उस समय अल्लाह के प्रमाण लिखल गई, जमनिया पर पटक दे हलन। ओ जटा के बार से एक गण तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। आखिरकार वीरभद्र आया है, बोला कि सरकार क्या आदेश है, किस लिए हमको बुलाए हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जाओ, राजा दक्ष जग करा रहे हैं, जग को विनाश कर देना और राजा दक्ष के गर्दन को काट के हमारे चरण में लेके आना।
वही दक्ष वीरभद्रगण गया है बाबू, दक्ष को विनाश किया है। जग को विनाश करने के बाद राजा दक्ष के गर्दन काट के भगवान भोलेनाथ के शरण में लेके आए बा। आखिरकार अब कहानी दूसरे तरफ मोड़ लेते कि जवन वो सती जी के तन हवन कुंड के अंदर जरल उ दूसर का जन्म में भैल का लास्ट लाइन में कहना बा का जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ फिर सती जी पार्वती के रूप में अवतार ले ली। फिर भैल का घोर तपस्या कैला के बाद बनली अड़भंगी के नारी जन्म में बहुत तपस्या कैली तो वही भगवान भोलेनाथ के साथ में सगाई भई। लास्ट लाइन में कहना बा जय जखार स्वामी गुरुजत्तू स्वर्ग में गए समाई।